जय हिंद फ्रेंड्स, माय सेल्फ अमित केसरी एंड यू आर वाचिंग इलेक्ट्रिकल लाइफ। तो आज हम लोग जानेंगे ट्रांसफार्मर ऑयल के बारे में। ये देखिए हमारे पीछे है ट्रांसफार्मर, तो इसके बारे में आज हम जानेंगे डिटेल्स। ट्रांसफार्मर ऑयल के बारे में अगर कोई आपसे सवाल पूछता है तो इस वीडियो को देखने के बाद आप उससे भर भर के जवाब देंगे। चलिए तो वीडियो में पूरा बने रहिए और देखिए लास्ट तक। ट्रांसफार्मर ऑयल को इंसुलेटिंग ऑयल भी हम लोग बोलते हैं और यह कूलिंग पर्पस के लिए यूज होता है और इंसुलेशन पर्पस के लिए। कूलिंग पर्पस के लिए क्योंकि ट्रांसफार्मर को ठंडा रखना है, इसके लिए हम लोग इसमें ऑयल का यूज करते हैं। और इंसुलेशन पर्पस का मतलब कि दो वाइंडिंग इसमें होता है, एक होता है हाई वोल्टेज, एक होता है लो वोल्टेज, तो इन दोनों के बीच में इंसुलेशन बना रहे, इसके लिए भी ट्रांसफार्मर ऑयल का यूज होता है। आइए अब देखते हैं ट्रांसफार्मर ऑयल के टाइप्स के बारे में। यह 4 टाइप्स के होते हैं, तो आइए देखते हैं चारों टाइप के डिटेल्स। पहला है नेफ्थेनिक ऑयल, जो कि मिनरल ऑयल या सिंथेटिक ऑयल होता है, और दूसरा है पाराफिनिक ऑयल। ये दोनों जो ऑयल है, दोनों जो ऑयल की ये टाइप है, ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। और तीसरा अपना होता है सिलिकॉन बेस्ड ऑयल, यानी कि सिलिकॉन आधारित, यानी कि ये केमिकल प्रोडक्ट होता है, केमिकल प्रोडक्ट। और चौथा होता है बायो बेस्ड ऑयल, यानी कि ये जैव आधारित ऑयल, यानी कि नेचुरल ऑयल होता है। और यह महंगा भी होता है, इसलिए इसका उपयोग बहुत कम होता है, ये कॉमनली यूज नहीं होता है। ये सिलिकॉन बेस्ड ऑयल और ये बायो बेस्ड ऑयल, ये दोनों प्रकार के ऑयल जो है वो कॉमनली यूज नहीं होते हैं, बस नेफ्थेनिक ऑयल और पाराफिनिक ऑयल ही ज़्यादातर यूज होते हैं। यह चारों प्रकार के ऑयल जो है वो ट्रांसफार्मर में ही नहीं यूज होते हैं, केवल ट्रांसफार्मर में ही नहीं, ये हाई वोल्टेज कैपेसिटर में भी यूज होते हैं, फ्लोरोसेंट जो लैंप होता है उसमें भी यूज होता है, एंड कुछ हाई वोल्टेज स्विचेस और सर्किट ब्रेकर में भी इस ट्रांसफार्मर ऑयल जो ये टाइप है ये सब यूज होता है। और आप सभी देखे होंगे कि ट्रांसफार्मर धू धू के जलती है, तो इसमें ऐसा होता क्या है, तो इसमें यही मिनरल ऑयल होता है जो कि ज्वलनशील होता है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट होता है ये सब। ये जो नेफ्थेनिक ऑयल और पाराफिनिक ऑयल है ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट होता है और यही कॉमनली यूज होता है, तो ये धू धू के जलता है। इसीलिए अगर ट्रांसफार्मर का ऑयल कहीं से लीक हो रहा है तो यह ट्रांसफार्मर ब्लास्ट का कारण बन सकता है, इसलिए हम लोग ट्रांसफार्मर का मेंटेनेंस बराबर करते रहते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है। आशा है कि आज की दी गई जानकारी आप सभी को समझ में आई होगी, और कॉन्सेप्ट समझ में आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस चैनल पर आपको इलेक्ट्रिकल रिलेटेड वीडियो हमेशा आपको मिलता रहेगा, तो इसलिए इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।